इन्हीं खूबसूरत नज़ारों की वजह से डिले हुआ वीडियो को इतने दिनों के बाद आज मैं डाल रहा हूँ। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मैंने US में शूट किया था, कि थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो डालूँगा। अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा वक्त बीत जाएगा। मैं वापस आ चुका हूँ, अपने देश में हूँ। मेरे पीछे हैं हिमालय, वो जगह जहाँ से, वो पहाड़ जहाँ से, जिन्होंने मुझे घूमने के लिए, जिन्होंने मुझे दरअसल घुमक्कड़ बनाया था। और कई साल के बाद मैं हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल है और ये मेरे पीछे जो बर्फ़ के से ढके हुए पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हैं धौलाधार। इस इलाके में मैं पहली बार आया हूँ। धर्मशाला कई साल पहले आया था, त्रिउंड का ट्रैक मैंने किया था, लेकिन ये जो जौ और यहाँ इसको कणक बोलते हैं, यानी गेहूँ, जौ और जो गेहूँ की जो खेती है, जो शायद कुछ दिनों के बाद में कट जाएगी, और इन खेतों जो हल्की पीली हल्की हरी और ये जो रंग नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और उसके ऊपर 3-4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, बर्फ़ पड़ी थी, तो वहाँ काफ़ी धौलाधार की जो ऊंची पहाड़ी हैं वहाँ बर्फ़ नज़र आ रही है। मौसम बहुत साफ, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे US कनाडा या यूरोप में वो जो नीला रंग का आसमान होता है, उतना नीला तो खैर अभी भी नहीं दिखा, लेकिन हाँ दिल्ली के मुकाबले यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। होली पर इस वीडियो को मुझे डालना है, आज भी होली है, आज है 29 मार्च को होली है। दरअसल क्रेडिट जाता है मुझे यहाँ पर बुलाने का, इंडिया वापस आने का, मेरी माता श्री को बड़ा फोर्स किया, उन्होंने कहा कि होली पर तो कम से कम इस बार आ जा। और दूसरी बात ये कि 29 मार्च मेरा जन्मदिन भी होता है, तो ये वीडियो मैं 29 मार्च को डालने वाला हूँ, यानी कल संडे है, तो 9:30 बजे उम्मीद है कि ब्रेकफास्ट करते हुए या होली खेलते हुए या गुजिया खाते हुए शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसके पीछे क्रेडिट जाता है मेरी माता श्री को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अच्छा लगा, इस बहाने मैं यहाँ पर हिमाचल हिमालय को फिर से देख सका। और इस वीडियो के बाद मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं मैं थोड़ा सा उनको कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल, वो मुझे करनी हैं, तो बस आपको बताना था। काफ़ी सारे लोगों के ईमेल्स मेरे पास आए, काफ़ी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए, कहाँ हो भाई, बहुत टाइम हो गया। इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने मैसेज किया। प्लान ये था कि आज से कुछ दिन पहले मुझे वीडियोज़ डालने शुरू कर देने थे, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो मैं हैरान था, ये इतना सुंदर है ये वाला इलाका। इनफैक्ट सच कहूँ, मेरा मन करता है अब कि मैं दिल्ली छोड़कर एक छोटा सा 2 कमरों का घर यहाँ बना लूँ हिमाचल में। बहुत मना है यहाँ धौलाधार की छाँव में, और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, अब यहाँ रहूँ, जब भी अपने देश में हूँ तो यहाँ आ जाऊँ। घर के और जो लोग हैं वो भी गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ बिताएँ, 1-2 कमरे और हों जहाँ पर आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात हो सके, घुमक्कड़ आ सकें दुनिया भर से। देखता हूँ, अगर ये सब कुछ सही चला तो मेरा बड़ा मन है दिल्ली को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में लगभग बस जाने का। बस आज मैं आपसे यही कहना चाहता था, ये इलाका बड़ा सुंदर है, माता श्री ने बुलाया था इसलिए माता श्री की वजह से वापस जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो यहाँ कुछ और दिन रहता। बस फिर मिलेंगे, अगला वीडियो जो होगा वो मैं एक्चुअली जानबूझकर थोड़ा सा एक अलग सा डाल रहा हूँ, वो वीडियो है मेरी वापसी का वीडियो, US से दिल्ली वापस आने का, जो मेरा सफ़र था वो कैसा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, कोविड रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, कैसी चाहिए, क्या क्या वो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह, एयर सुविधा, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जिनसे मेरे को बहुत ज़्यादा, मुझे भी परेशानी हुई। 3 कोविड टेस्ट मैंने कराए थे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में डालूंगा, और उसके बाद फिर जो आगे के वीडियोस हैं वो मैं रिज्यूम करूंगा। उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको पसंद आएगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, आपकी होली बहुत शुभ हो, मुबारक हो आप सभी को होली, और अगर आप चाहें तो मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।